स्टार लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश जीवनपुरवाला एक बार फिर स्टार लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मनोरंजन तो करते हैं लेकिन वो फिल्म से संबंधित नहीं है, सॉन्ग से संबंधित नहीं है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर रोशन किया और जो अकेले ही पूरे मैच को जिताने का मादा रखते हैं। जी हाँ, प्रो कबड्डी के पुनेरी पल्टन के कैप्टन वजीर सिंह धुल। तो आज आइए, इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। नमस्कार जीवन जी। नमस्कार जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके बारे में बहुत सुना, आपके बहुत मैच देखे, आप एक हमारे भारतवर्ष की पहचान हो कबड्डी की। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको ये बचपन से ही शौक था या किस प्रकार से आप मतलब कबड्डी जो खेल के उसमें मतलब आपका इंटरेस्ट बना और किस प्रकार से आप इसमें आए? स्टार्टिंग से जैसे गाँव में रहते थे, बाबा जी का शौक था कि कोई भी गेम इन्वॉल्व हो, किसी भी गेम हम कर सकते हैं। तो पापा जी की इच्छा थी कि वो कोई गेम खिलाएंगे मेरे को, लेकिन बाद में हॉस्टल में गया मैं जी। उसके बाद वहाँ से मेरे को जैसे स्टार्टिंग में एक दो साल कुश्ती किया और फिर कबड्डी का शौक लगा मेरे को। और उसके बाद कैथल गया, एकेडमी थी वहाँ पे, जसवंत कबड्डी कोच हैं जो अपने स्टेट कोच हैं, तो उनके पास ट्रेनिंग की और लगातार कबड्डी का शौक बनता रहा। आज भगवान की दया से आपको पता है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ जी हाँ, हमने आपके मैच देखे सारे, जो भी प्रो कबड्डी थी मैंने स्पेशली आपके नहीं बल्कि हर रोज जो मैच आते थे सभी देखते थे। और इतना इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया है कबड्डी के अंदर, हमने देखा कि भीड़ लग जाती थी टीवी के सामने। जिस प्रकार से क्रिकेट का शौक था उसी प्रकार से आज हमारे यहाँ पर कबड्डी का वो शुरू हो गया। आपने जब पढ़ाई शुरू की तो उस समय मतलब आपने ये सोचा कि मैं भाई किसी और कुछ बनना चाहते हो जैसे भाई, या फिर आपकी बचपन से ये था कि भाई मुझे कबड्डी प्लेयर ही बनना है? नहीं, एक्चुअल में बात क्या कि गांव में सर्कल कबड्डी मैक्सिमम खेलते थे, तो सर्कल कबड्डी से किसी भी गेम में इन्वॉल्व होना, हॉस्टल में जाना, वो सब एक वैसे तो है तो भगवान करता है, लेकिन शौक था मेरा कि मैं सर्कल खेलूँ। लेकिन वहाँ जैसे हॉस्टल में थे, सर्कल नहीं था। उसके बाद नेशनल कबड्डी स्टार्ट किया, क्योंकि नेशनल कबड्डी में काफ़ी स्कोप है। आज अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम लाखों जो बच्चे अच्छी जॉब पे हैं, तो वहाँ से काफ़ी शौक रहा है। ये तो मानते हैं कि अगर आप कोई गेम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो उसमें सिर्फ एक ही कर सकते हो आप, या तो गेम कर सकते हो या फिर अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो गेम भी अच्छा कर सकता है और पढ़ाई भी अच्छी कर सकता है। अगर 70% आप गेम करते हो तो 30% आपकी पढ़ाई चलेगी जी। तो गेम इन्वॉल्व हुए, गेम इन्वॉल्व होने के बाद प्लस टू बी ए सब किया, लेकिन उस लेवल तक नहीं पढ़ सके जैसे ठीक हाँ, जैसे मतलब पढ़ाई से थोड़ा ध्यान तो खराब होता है, दूर हो जाता है खेल से। वो भी एक पहचान आपने जो मतलब अपने आप को, अपने गांव को, अपने स्टेट को और अपने देश को जो पहचान दिलाई है वो काबिल तारीफ है। सर ये बताइए कि प्रो कबड्डी में जाने का आपने कैसे सोचा? अगर कबड्डी की हम बात करते हैं, किसी गेम की बात करते हैं या फिर प्रो कबड्डी की बात करते हैं, जैसे कबड्डी खेलते हैं तो ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलते हैं, सीनियर नेशनल खेलते हैं। सीनियर नेशनल में जो भी स्टार प्लेयर या अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो मैक्सिमम प्लेयर वहीं से जाते हैं। अगर अभी क्या स्टार्ट हुआ है, पहले हम सिर्फ फर्स्ट सीजन में अगर आप देखो तो सिर्फ 14 प्लेयर थे और अभी किसी के पास 20 प्लेयर हैं, किसी के पास 26 प्लेयर हैं, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ चुका है। जैसे कहीं भी गेम में जाते हैं तो वहाँ पे हर फ्रेंचाइजी का, हर कोचेज वो नोट करते हैं, हर कैप्टन नोट करता है कि कौन सा बच्चा अच्छा खेला या कौन सा लड़का नया है, तो हम उसको वहाँ से खींच लेते हैं और उसकी ट्रायल लेते हैं जी। उसके बाद ही प्रो कबड्डी खेलते हैं।
लेकिन जो स्टार्टिंग हमारा जैसे सिलेक्शन हुआ है नेशनल लेवल पे जो प्लेयर अच्छे खेलते हैं उस लेवल पे हुआ है, जी और हम जैसे अनूप कुमार हैं या कई सीनियर प्लेयर, राकेश कुमार हैं, जसवीर मोड़ा, काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं जो ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं उनका, हमारा जो टॉप इंडिया कैंप में रहते हैं उसके बाद कहीं भी हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद ही प्रो कबड्डी में हमारा सिलेक्शन हुआ था। जी। और सर ये बताइए कि जैसे आपके इस खेल के पीछे कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली हो, जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया हो कि आप करो। देखिए स्टार्टिंग में मेरे गुरुजी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जी उसके बाद मेरे माता पिता ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, क्या नाम है आपके गुरुजी का? श्री जसवंत सिंह कबड्डी कोच जो कैथल में ओके ओके ट्रेनिंग देते हैं, जी अभी अभी भी मैं उनके पास गया था अरे लेकिन वाह, हाँ थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया वहाँ पे ओके क्योंकि ओके उन वो काफ़ी बिजी शेड्यूल में थे, जी तो उनको श्रेय देता हूँ और माता पिता को श्रेय देता हूँ और मेरे यार दोस्त हैं वो तो साथ में जुड़े ही रहते जी हैं। तो वजीर जी, बार बार कमेंट्री में हमने सुना है आपकी जो फ्रंट किक है वो बड़ी फेमस है, कैसा रिएक्शन पैदा करती है सामने वाले खिलाड़ी को, वो उसके बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? अगर हर प्लेयर की एक एक या दो या तीन ऐसी स्किल रहती है जी जो वो जिससे वो फेमस होता है, जी और फ्रंट किक हुआ, बोनस हुआ, ये दो फर्स्ट प्रो कबड्डी में मैंने काफ़ी किए हाँ हैं। जी फ्रंट किक क्या है कि अगर कोई भी प्लेयर अपनी छाप एक एक टेक्निक से ही छोड़ता है, जी हाँ जी। अगर हम अनु कुमार की बात करें तो वो मतलब स्लिप मारते हैं, तो मैंने ये फ्रंट किक कम से कम 20 लाख बार की होगी जी और मैक्सिमम स्कोर बोनस या फ्रंट किक का ही लेता हूँ मैं, और जैसे ब्लॉक पे किक लगाना या सामने किक लगाना वो दो 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 तीन टाइप की मैं मारता हूँ, ग्राउंड में जैसे मैं घुसता हूँ तो यही बोलते हैं कि भाई बचना वो फ्रंट किक मारेंगे, जी तो जी ऐसा ऐसा एक डर पैदा हुआ है हर प्लेयर के मन में कि वजीर सिंह फ्रंट किक मारेगा, तो एक गॉड गिफ्ट भी रहता है जो जिसे पहचान होती है उसको मैं मानता हूँ कि फ्रंट किक की मेरी पहचान है। जी हाँ जी। तो सर ये देखा, मैं मैच देखते तो वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी और खूब बड़ी इतना मतलब कबड्डी को मिला, तो ये हीरो हैं, बिजनेसमैन हैं, सब मतलब लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, मतलब उनसे आप लोगों को क्या मिला, उन लोगों ने आपको मतलब किस प्रकार से वो देखा और किस प्रकार से आपसे बातें की और मिले होंगे, तो उनका क्या नज़रिया है? देखिए कोई भी स्टार बिजनेसमैन हुआ जी या कोई भी अदर स्टार हुआ, फिल्म स्टार हुआ, जी कोई भी अगर प्रो कबड्डी में आता, कोई नेता आता जी है, तो हाँ सभी का मतलब अभी क्या इच्छा हुई कि हर कोई ये कोशिश करे कि हम कबड्डी टीम खरीदें, खरीदने वाली सो बात उसका स्पॉन्सर हमें मिले, सब जी कुछ वो मिले, लेकिन एक्चुअल क्या है कि स्टार्टिंग में जब कबड्डी स्टार्ट हुई तो स्पॉन्सर के मन में ये नहीं था कि हम ऐसा हो कबड्डी इस लेवल तक जाएगी, जाएगी, लेकिन भगवान हाँ करने जब वाला जब करने वाला भगवान है तो हाँ इंसान आज, अच्छे हैं, सब सब वो चीज़ हाँ है। आज कबड्डी 2 नंबर पे वर्ल्ड में मतलब हाँ आ गई है फुटबॉल के बाद में, तो ऐसा कबड्डी, हाँ हाँ सुना कबड्डी है, स्टार्ट हुई है। तो वो लोग सब मतलब बिजनेस के तरीके से भी आते हैं, लेकिन खेल भी इतना फेमस हो गया, अच्छा खेल अपना खेल है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब देखते हैं अपने लोगों को वहाँ पर खेलते हुए। और सर आप बताइए कि जैसे आपने खेल के दौरान जब मैच होते हैं उस दौरान कोई ऐसी कोई घटना बताओ जो मतलब आपको लगता हो कि मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। अभी सेकंड सीजन में जो बॉम्बे के साथ हमारा मैच था, जी तीन प्लेयर बाकी थे, जी मैंने जीवा कुमार को निकाल दिया, जैसे तीन प्लेयर में एक वो गैलरी में आउट हुआ, जी उसके बाद बॉम्बे का एक मोहित है उसके उस उसकी तरफ जैसे ही टैगिंग किया उस वो टांग घुसा, सबीर बाबू मेरे सामने कंधे पे कूद गया, लेकिन एक ऐसी सिर्फ जस्ट 2 सेकंड बाकी थी, आपने एक बार मेरे पास फ़ोन भी किया था कि जी सर वो क्या क्या हुआ क्या आपकी, मतलब वो हुआ, आउट हुआ, आउट हुआ तो वो लम्हा मेरे लिए मतलब सेकंड प्रो लीग में बहुत मायने रखता है कि रेडर सेफ है लेकिन रेफरी ने जस्ट 1 पॉइंट कुछ सेकंड पहले विसल बजा दी, जी वो पॉइंट मेरे लिए मतलब बहुत अहमियत रखता था क्योंकि अहमियत, वहाँ पे हाँ 5 पॉइंट मिलते मेरे को, हाँ 5 मिलते और आप लेकिन एक वहाँ सिर्फ बराबर में एक, ही मतलब आपका टाई हो गया था मैच में। हाँ तो इसलिए वो लम्हा मेरे को बहुत याद रहता है। सर आप एक खिलाड़ी के साथ साथ मैंने सुना है, आपको कभी सुना भी है, आप गाते भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज में और वहाँ उसमें मतलब देखा आपको गाते हुए भी, आप गाने के बारे में क्या सोचते हैं, और एक आध गाना हमारे दर्शकों को आप सुनाना भी कोई? रामकेश जी आपसे अच्छा मेरे ख्याल से हरियाणा में ऐसा नहीं है, कुछ लेकिन नहीं है सर, आप हाँ कवि भी जी अच्छे हैं,
और गाते भी बहुत बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो वो आप में भी कुछ ऐसा एक एक अलग जैसे शौक शौक आपको लगा है कि आपकी कबड्डी देखने का नहीं, शौक बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा। तो हर पले मैं मानता हूँ कि हर पले जैसे सिंगिंग से जुड़ा होता है, ये बिल्कुल, हाँ क्योंकि बिल्कुल। हम कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे वर्कआउट करते हैं। आप ये देखिए, अगर आप किसी ट्रैक के चारों तरफ घूमते हैं, अगर अकेले लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा आप बोरिंग आपको लगेगा, एक एक चीज़ के आप चारों तरफ घूम रहे हैं। तो उस टाइम हम मैक्सिमम प्लेयर्स तो सिंगिंग का सहारा लेते हैं। वहाँ से अगर आप अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो, तो आप जस्ट थोड़ा बहुत गा भी सकते हो, तो वहाँ से आप जैसे कवियों को देखा, आप जैसे सिंगर को देखा, ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बहुत गाना तो गा एक सकते कोई हैं। मतलब दो लाइनें किसी सॉन्ग की आप हमारे दर्शकों को सुना देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हरियाणा का जो कल्चर है, जो पुराना, हमारे बड़े बूढ़े जैसे जी माता पिता जी दादा दादी ऐसे रहते थे, तो आपने उस पे एक आपका ही सॉन्ग सुनाता हूँ मैं। आप मतलब चलो थैंक आपका बहुत जो बहुत फेमस हुआ है बाहर भी, हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में फेमस हुआ है, आपने हरियाणा कल्चर एक अच्छी जैसे पहले था वही बात आपने रखी है। जी। तो चलो लाइन सुनाओ सर। मैं 2 लाइनें वही सुनाता हूँ ना। पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा रे पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी ना। पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। थैंक यू जी, बहुत बहुत ओके धन्यवाद। ओके सर। गाने के साथ साथ आपका कोई और केवल शौक हो, कोई हैबिट्स आपकी, कोई मतलब हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हो, कोई क्या और क्या मतलब आप क्या क्या पसंद है आपको? अगर हैबिट की बात करें, तो हैबिट यही है कि हर प्लेयर जो कबड्डी खेलता है, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वो प्रो कबड्डी खेले और उसको अच्छी नौकरी मिले। 100 में से 95% प्लेयर ऐसे रहते हैं जिनकी घर की सिचुएशन बहुत कम होती है, तो मैं यही मेरी एक ये फीलिंग रहती है कि वो सब अच्छी नौकरियों पे अच्छा हों और अच्छे लेवल तक वो जाए, स्पोर्ट्स करें, चाहे वो कोई भी गेम हो। मैं ये नहीं बोलता कि कबड्डी हो, हर गेम का खिलाड़ी मेरे को ये चाहिए कि अच्छी नौकरी मिले, बस यही मेरी एक इच्छा है। थैंक यू सर। तो सर हमारे जो आने वाली नई जनरेशन है, नए जो खिलाड़ी जो अब आ रहे हैं, आप उनके बारे में उनको कोई संदेश देना चाहते हो हमारे नए नहीं खिलाड़ियों को? नहीं रामगेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो नए खिलाड़ी हमारे कबड्डी खेलते हैं या कोई भी गेम करते हैं, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले नंबर पे तो कोई नशा ना करें। जी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर डोपिंग में कोई भी प्लेस मिलता है, तो नाडा ने इतनी सख्त कार्रवाई की उसके खिलाफ, कम से कम 4 साल का वो डोप बैन बैन हो बैन जाता है। तो पहले यही बताऊंगा कि नशे से आप दूर रहें, अच्छी मेहनत करें, माँ बाप की सेवा करें, गुरुजी का आपको आदर करो आप बिल्कुल। आपको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन दर्शकों के लिए बोलूँगा कि गुरुजी का सत्कार करें, इज्जत करें, उसकी जो बोलते हैं वो करें और अच्छी मेहनत करें। सच बोलता हूँ, वो ऊपर वाला सब अगर अच्छी मेहनत करता है, वो सबको अच्छा रिजल्ट देता देता है रामगेश जी। तो यही बोलना चाहूँगा मेरे भाई, कोई भी आप अगर डोपिंग का सहारा ना लें, किसी भी नेगेटिव किसी भी गलत चीज़ की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आप अपने गुरुजी से डिस्कस कीजिए, किसी सीनियर प्लेयर की से आप डिस्कस कर हाँ सकते सर, हैं, क्योंकि मुझे आप बता सकते हैं उनको कि भाई साहब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और अच्छी कड़क बहुत अच्छी मेहनत करें, शेड्यूल के हिसाब से करें, तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, यही मेरा संदेश रहेगा। सर आप हमारे फंजूस फोरऑल चैनल के लिए कुछ दो शब्द बोल जाएं। मैं यही कहना चाहूँगा रामगेश जी, आप सभी स्टार, कोई भी कबड्डी प्लेयर या किसी प्लेयर को या किसी भी अच्छे जो आप अच्छा करता है हमारे हमारे लोगों के लिए या किसके लिए, तो यही धन्यवाद करूँगा फंदूस चैनल का कि हमको लोगों के पास पहुँचाते हैं और अच्छी अच्छी आप फिल्में निकालते हैं, अच्छे अच्छे आप सॉन्ग रिलीज करते हैं। तो यही दुआ करूँगा भगवान से कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा उन्नति करे, बहुत आप एक हरियाणा के नहीं इंडिया में आप सक्सेस हो। तो यही दुआ करूँगा कि आपका चैनल बहुत उन्नति करे, फर्स्ट नंबर या उससे भी अगर कहीं पॉइंट हो, तो मैं आपको वही देना चाहूँगा कि पंजू चैनल। धन्यवाद धन्यवाद आपका।
तो वजीर सिंह जी, आप इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। फन जूस एंटरटेनमेंट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।